मैं डॉक्टर रवि महाजन, चीफ प्लास्टिक सर्जन अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे के दिन पे आपको शुगर के मरीजों को खासकर कुछ हिदायतें देना चाहता हूँ और उसको उनको अपने पैरों का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि शुगर के मरीजों के पैर जो हैं वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर उन लोगों में जिनमें शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है। तो उसके लिए कुछ डूज एंड डॉट्स हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको हर रोज़ अपने पैरों को खुद चेक करना चाहिए और फिर उनको जो शूज़ पहनने हैं वो अच्छी फिटिंग के शूज़ होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि शू जो है जिसको कहते हैं ना पैर में शू लग गया, तो हमेशा अपने शू को हाथ डाल के अंदर से चेक करें, देखें कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपके पैर का नुकसान कर सकती है, क्योंकि अगर कोई पैर में कुछ लग रहा होगा तो शुगर के मरीजों को बहुत बार वो महसूस नहीं होता है। फिर आपकी जो टांगें हैं और पैर हैं उनका कलर भी डेली चेक करना चाहिए। डेली आपको अपने पैरों को धोना है और फिर उसको अच्छे से ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद उस पर कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, जिसमें आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या आप लिक्विड पैराफिन यूज़ कर सकते हैं। तो और जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो ये है कि आपको डेली अपनी सॉक्स जो हैं वो चेंज करनी चाहिए, और जब भी नेल काटने हैं तो वो सीधे नेल जो है वो काटने चाहिए, और एक्सट्रीम कोल्ड और हीट को भी अवॉइड करना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है। एक तो शुगर के मरीजों को बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो उनके पैरों की जो ब्लड सप्लाई है वो और ज़्यादा डैमेज हो सकती है, क्योंकि शुगर के मरीजों में ऑलरेडी ब्लड सप्लाई जो है वो पैरों में कम हो जाती है। फिर कभी भी अगर आपके मान लो नेल्स की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको खुद ही ट्रीट करने की कोशिश नहीं करनी है, अपनी सीजर्स वगैरह खुद यूज़ नहीं करनी है, पर किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और आपको हॉट वाटर बॉटल या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जो है वो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पैरों में सेंसेशंस कम हुई होती हैं तो उसकी वजह से कई बार पैरों का पैर जल सकते हैं। और अपने पैरों को भी आपने जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए पानी के अंदर सोक नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी जो है वो नंगे पांव नहीं चलना है, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, नंगे पांव चलना जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना है। और अगर आपको कॉर्न या कोई कैलस टाइप जो बन जाता है तो उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना है, खुद ही नहीं काटना है आपको। और जब भी कभी लगेंगे कोई छोटा सा भी ज़ख्म हुआ है पैर के अंदर, तो तुरंत जो है कोई डायबिटिक फुट स्पेशलिस्ट जो है, खासकर मैं कहूँगा कि किसी प्लास्टिक सर्जन को, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन ज़्यादातर जो है वो डायबिटिक फुट की समस्याओं को देखते हैं, तो उनको कंसल्ट करना चाहिए। और अपने फिजिशियंस के साथ हमेशा टच में रहें ताकि आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रहे। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे मैं आपको शुगर के मरीजों को खासकर जो है शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो अपने पैरों का पूरा ख्याल रखें।